हेलो एवरी वन वेलकम बैक दिस इज़ अ वीडियो आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये वीडियो बनाने का क्योंकि दस हज़ार लोग ये वीडियो बना चुके हैं आज तक और ये बहुत ही रेडिली अवेलेबल चीज़ है बट लोग मानते नहीं हैं बताओ पीछे पड़ जाते हो आप लोग सम थिंग्स टू कीप इन माइंड जब हम बुक लिस्ट और रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बुक लिस्ट एंड सोर्सेस समथिंग दैट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट फॉर एटलीस्ट मिलियन टाइम्स आई गेस इसको बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था बट आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बार बोल दिया मुझे कॉल करवा दिया यहाँ से ये वो तो ऑन पॉपुलर डिमांड बुक लिस्ट एंड सोर्सेज ना बिफोर वी टॉक अबाउट बुक लिस्ट एंड सोर्सेज देर आर सम टू कीप इन माइंड ऑनलाइन मटेरियल यूज़ करें या ऑफलाइन मटेरियल यूज़ करें आई यूज बोथ जब आपके पास जो भी रिसोसेज हैं प्लीज़ यूज़ ऑल ऑफ योर रिसोर्स कीप देम लिमिटेड बट डू नॉट लिमिट योर सेल्फ रिसोसेज लिमिटेड होनी चाहिए आपके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है ऑनलाइन रिसोर्स समझ आता है ऑनलाइन पढ़िए ऑफलाइन अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़िए आई यूज बोथ ऑफ देम वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज यू हैव टू मेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना कर लीजिए आपका कोई भी प्लान हो कोई भी बुक लिस्ट हो यू विल सी इट थ्रू एंड यू विल सी योर नेम इन द लिस्ट फाइनली ऐसा करने के लिए पहले मैं बुक लिस्ट तो शेयर कर रही हूँ आपसे बट आई रिक्वेस्ट यू टू एनालाइज योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड पर्सनलाइज योर प्लान आई एम पुटिंग इट इन अ कम्पेरेटिव वे मैं आपको आइडियल बुक लिस्ट मटेरियल भी बताऊंगी और मैंने जो यूज़ किया मैं वो भी बताऊंगी और मैं बार बार बोल रही हूँ कि पर्सनलाइज करिए आपके अपने प्लान को मेरी अपनी स्ट्रेंथ है मुझे साइंस एंड टेक की ज़रूरत नहीं थी मुझे इन्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी मुझे इकॉनमी इज़ माई स्ट्रॉन्ग सूट जोग्रफ़ी इज़ माई स्ट्रॉन्ग सूट मैं अपने ऑप्शनल uh, को भी काफ़ी अच्छे से मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था तो पर्सनलाइज़ करिए अपने प्लान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग बेयर मिनिमम आपको ये करना है कि आपको डेली एफर्ट रखना है कंसिस्टेंसी इसकी कंसिस्टेंट रहना है तीन चीज़ें आपने पक्की करनी है मस्ट डू करनी है एन सी आर टीज न्यूज़ पेपर एंड नोट्स नोट्स आपके खुद के नोट्स जो सिर्फ आपके लिए बने जो बहुत ही क्रिस्प हैं जो बहुत ही शॉर्ट हैं और जिसको आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं ठीक है सो लेट एस स्टार्ट स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट से आइडियल प्लान जो मुझे पता था इनिशियली ये हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एनशियट आर्ट एंड कल्चर मेडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री आपके लेफ्ट साइड पे यू कैन सी द आइडियल प्लान जो कि लोग यूजुअली फॉलो करते हैं माई प्लान वॉज़ फॉर एंशियट मैंने एन सी आर टी पढ़ी और वीडियो लेक्चर देख लिया एन सी आर टी के जस्ट इन केस मैं कोई चीज़ ग्रेस्प ना कर पाई हूँ और इट वॉज इंपॉर्टेंट और मैंने छोड़ दिया इसके लिए मैंने वीडियो लेक्चर देख लिया आप किसी के भी देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर सेम थिंग एन सी आर टी और मृणाल सर के चैनल पर यूट्यूब पर उनके कुछ वीडियोज़ हैं आर्ट एंड कल्चर के मैंने नितिन सिंघानिया सर के नोट्स नहीं पढ़े बहुत लोग पढ़ते हैं मैंने नहीं पढ़ा मेडिवल इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मैंने सिर्फ़ वाजिर राम की येलो बुक से पढ़ा है और आई थिंक दे आर मोर देन अनाफ मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो सेम अगेन वाजिर राम से बुक एंड एन सी आर टी बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम. इसमें मैंने सब कुछ पढ़ा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और uh, मैं पचास हज़ार बार बता भी चुकी हूँ कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत डरती हूँ मैं ओवरऑल हिस्ट्री से बहुत डरती हूँ तो इसके लिए मैंने जितने भी सोर्सेज थे मॉडर्न इंडिया के वो सारे ही फॉलो किए एन भी बिपिन चंद्रा भी स्पेक्ट्रम भी वाजिराम की बुक भी सब कुछ तो अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रॉग सूट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली चीज़ ना करें जो मैंने करी है वर्ल्ड हिस्ट्री पे आते हैं इससे कई लोग स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ते हैं नॉर्मल पढ़ते हैं मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे जो भी हमारा सिलेबस में एक एक वर्ड था एवरी वर्ड आई मेड माई ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं अगेन आई मेड माय ओन नोट्स एंड आई यूज माई वाजोराम क्लास नोट बुक सांगवन सर के नोट्स मैंने नहीं पढ़े कमिंग टू पॉलिटी दिस इज़ द आइडियल प्लान ऑन द लेफ्ट एन सी आर टी लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन बाई पी एम बख्शी आई डिड नॉट डू ऑल ऑफ दैट आई मेड माई ओन नोट्स आई टुक माई वाजी राम क्लास वेरी सीरियसली उसका मैंने क्लास नोट्स बनाया लक्ष्मीकांत की बुक कवर टू कवर पढ़ी मैंने एंड आई मेड अ फ्यू रिविजन ऑफ द सेम थिंग तो पॉलिटी का आ, हो गया गवर्नेंस की बात करते हैं गवर्नेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी अगर आप मेंस की बात करें तो एग्जैक्ट पॉलिटी के क्वेश्चंस शायद आपको मिले भी ना सिर्फ गवर्नेंस और सोशल इश्यूज से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन दोनों के लिए ही मैंने आइडियल प्लान को फॉलो नहीं किया मैंने पी को फॉलो किया पी को फॉलो किया स्कीम्स के लिए और न्यूज़पेपर से बेसिकली मैंने अपने खुद के रेलिवेंट नोट्स बनाए और थोड़ा सा वाजीराम के क्लास नोट से आई आई गॉट हेल्प अब बात करें इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की तो मैंने इसमें कुछ खास नहीं पढ़ा न्यूज़ पेपर टेस्ट सीरीज करेंट कम्पाइलेशंस सेम कोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो लोगों को साइंस में डर लगता है उन्हें पढ़ लेनी चाहिए एन सी मैंने नहीं पढ़ी गोइंग फॉरवर्ड टू इकॉनमी इकॉनमी मैंने आइडियल प्लान को अगेन फॉलो नहीं किया श्री राम इकोनॉमी के नोट्स आई थिंक बहुत अच्छे हैं काफ़ी लोग इसकी तारीफ करते हैं अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप श्री राम के इकोनॉमी के नोट पढ़ सकते हो मैंने खुद के बनाए थे न्यूज़पेपर से और वाजी राम के क्लास नोट्स बजट और इकोनॉमिक सर्वे मैंने ध्यान से पढ़ा था काफ़ी स्पेशली मेन्स में बहुत ध्यान से पढ़ा था और एन के मैंने खुद के नोट्स बनाए थे क्योंकि एन आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते उतनी एफिशेंसी से तो मैंने खुद के नोट्स बनाए थे मूविंग ऑन टू जोग्राफ़ी जोग्रफी मेरे लिए इकोनॉमी और जोग्राफी दोनों ही मेरे ऑप्शनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे इसलिए uh, मैंने एन बहुत अच्छे से करी थी और जी सी भी मैंने पढ़ी थी न्यूज़पेपर से मैंने खुद नोट्स बनाए थे जोग्राफी uh, के लिए यूट्यूब वीडियोस मैंने रोनाल्ड uh, सर के चैनल पे जो हैं वो देखी थी दोज़ आर मोर देन सफिशिएंट उसके बाद आप जी सी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपका रिविज़न हो रहा है तो जोग्रफी मैंने यूट्यूब वीडियोज़ एन सी आर टीज जी सी लियॉन्ग है न्यूज़ गोइंग ऑन टू एथिक्स एथिक्स बहुत ही स्कोरिंग पेपर है और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने ए आर सी टू रिपोर्ट पढ़ी प्रॉपरली एथिक्स का पोर्शन लेक्सिकॉन कवर टू कवर पढ़ी मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने दी चाहे एक ही है बट मैंने उसका सोल्यूशन uh, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ का पढ़ा था प्लस मैंने ख़ुद के नोट्स बनाए थे दस पंद्रह पेजेस के और मैं उनको कम से कम नहीं तो मैंने सौ डेढ़ सौ बार रिवाइज किया होगा क्योंकि काफ़ी बार आप चीज़ें भूल जाते हैं यू शुड हैव थिंग्स लाइक

आई की बात करें तो जो आइडियल प्लान है वो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि आई की बुक पवनीत सर की पढ़ सकते हैं आप रंजन मैम के नोट्स देख सकते हैं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं वाजीराम के क्लास नोट्स और अपने करंट इश्यूज के ख़ुद के नोट्स जो मैं न्यूज़पेपर से बनाती थी उससे आई डेल्थ विद आई आर एंड देट वॉज मोर देन इनफ इट वॉज एक्चुअली द हिंदू इज़ रियली हेल्पफुल वैन इट कम्स टू आई आर इंड अदर करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन द हिंदू आई रिकमेंड हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो आई डेली यू शुड रीड एनी वन न्यूज़ पेपर प्रेफरेबली द हिंदू अगेन डेली एम सी क्यूज फ्रीली अवेलेबल हैं बहुत सारी साइट्स पे विजन में आई थिंक इंसाइट्स भी करवाता है और भी कई सारी uh, जगह है जी के वगैरह जहाँ पे आपको डेली एम सी क्यूज़ मिल जाएंगे तो डेली एम सॉल्व कर लीजिए कोई भी एक करंट कंपाइलेशन है उसको पढ़िए उसको बार बार पढ़िए कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए जिससे आपको लिखने का लहजा समझ में आए कि हाउ यू आर सपोज टू डिस्कस अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आई यूज़ टू रीड योजना एंड कुरुक्षेत्र बिकॉज आई हैड एग्रीकल्चर ऑप्शनल तो आई फॉलो दिस थिंग मेन से मैं दो पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ती थी मैं क्योंकि आई जेनविनली डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट अनदर ईयर और बहुत ही सीरियस थी मैं ओवर सीरियस थी इनफैक्ट तो इस सब करने के बाद अगर आप कोई भी तीन टेस्ट सीरीज़ को कम्प्लीटली लगा लेते हैं आई थिंक यू हैव देन कवर्ड एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कुड हैव बिन प्रडिक्टड उसके बाद आपका लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस तो आप तीन कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ में कवर कर लेंगे मेन्स uh, के लिए अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो पीआरएस के एनालिसिस बहुत अच्छी होती है राज्यसभा टीवी के डिबेट्स बहुत अच्छे होते हैं जो मुझे इंटरव्यू uh, में भी काफ़ी हेल्प हुई इस चीज़ से और पी तो मैंने इनिशियली भी आप लोगों को रिकमेंड किया ही था तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके मैंने मेंस के अपने बहुत सारे नोट्स हैं जो फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ वेमेन ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ़ एन जिनके कहीं आपको प्रॉपर नोट्स नहीं मिलते यू कैन मेक वेरी गुड नोट्स ऑफ देम तो मोस्टली मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं हर चीज़ से तो माई प्लान वॉज स्टडी बुरे टाइम तो एज अ पार्टिंग नोट वोट आई लर्न इन द प्रोसेस आई वुड लाइक टू शेयर डू नॉट टेक एनी फ़ंड आज़ फॉर ग्रांटेड ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने ये बोला था कि मेडिवल इंडिया कई साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है और शायद मेडिवल इंडिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बहुत से लोग इसे इस टॉपिक को छोड़ के चले गए प्रिलिम्स में और इससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो एक गुगली क्वेश्चन बन गए वो तो दो चीज़ें मैं बोलूँगी आपको कि डू नॉट टेक एनी फंड आज़ फॉर ग्रांटेड अगर कोई चीज़ सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है प्रिपेयर एवरी थिंग विधेलीजेंस एंड ड्यू इम्फेसिस ऑन एवरी सिंगल वर्ड दैट इज मशन इन दिस सिलेबस सेकेंड थिंग इज डू नॉट वेट फॉर द लाइटनिंग टू स्टार्ट जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ़ यू हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग जस्ट स्टार्ट शुरू कर दो चाहे आधे मन से ही होगा कुछ तो करोगे ना आप तो सम मोटिवेशन फॉलोज एक्शन एंड प्लीज़ गो एंड स्टडी Just start with your preparation. do not keep looking for perfect book book list and perfect funda. please do not do that. मैं सिर्फ न्यूज़पेपर और स्टडी से एक तरह से मैंने मोस्टली वही किया है तो अलग अलग लोगों पे अलग अलग fundas वर्क करते हैं फ़ाइंड वन एंड स्टिक टू वन ऑल राइट सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू